गोटा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आते हैं। एक नया मामला पोड़ैयाहाट से सामने आया है, जहां एयरटेल पेमेंट बैंक के संचालक शशिभूषण के साथ साइबर अपराधियों द्वारा कुल 47,500 रुपए की ठगी कर ली गई। उन्होंने कहा कि ना तो वो किसी के साथ कोई ओटीपी शेयर किए थे, ना ही कोई लिंक पर क्लिक किया था। अचानक से उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन शुरू होने लगा और जब उन्होंने लॉग इन करने की कोशिश की तो पिन भी गलत बताने लगा। उन्होंने मामले की शिकायत थाना में की और पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई। क्या घटना हुआ है? 24 तारीख को शाम को 5 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया लॉग इन का ओटीपी के लिए। जाने जब तक हम यहाँ से देंगे नहीं कुछ होगा नहीं, तो 2-3 बार आया बार बार, तो हम उसमें कुछ नहीं किए, केवल खोल के उसको देखे और छोड़ दिए। ठीक है। थोड़ा देर के बाद डेबिट का मैसेज आया 28,000 कुछ रुपये का। अच्छा। फिर भी हम देख रहे तो उसमें मेरा कहीं जिक्र नहीं था, फिर भी कुछ दिया नहीं। फिर थोड़ा देर के बाद आ गया 2,999। अच्छा। फिर थोड़ा देर के बाद आया 16,000 कुछ रुपये। टोटल कितना अमाउंट आपका? उसके बाद जब हम चेक करते हैं अकाउंट, तो वहाँ पे एम पिन मेरा रिसेट बता रहा है। अच्छा, मैंने पिन बदला गया। पिन बदला गया। अच्छा, किसमें हुआ, कौन सा ऐप से था? एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा, उसके बाद आप खाता खुलवाए थे अपना? हाँ, अपना यूज करते हैं खाता, किसी का खोलते भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और पैसा ट्रांसफर भी करते हैं, तब जब उसको लॉग इन करते हैं रिसेट करके, तब उसमें पता चलता है बैलेंस मेरा 20,000 मात्र बचा हुआ। अच्छा। तब हम तभी तब रुक गया, तब टोटल यानी तभी 47,000 कुछ रुपया डेबिट हो चुका था। डेबिट हो चुका था। अच्छा। उसके बाद फिर पुनः हम उसको जिससे हम अकाउंट में जिससे लेते हैं हम उठा के द्वारा उसको जब खोलते हैं उसमें भी देख रहे हैं मेरा रिसेट हो चुका है। अच्छा। उसको भी खोलते हैं तो उसमें भी देखते हैं 3 बार उससे ट्रांजेक्शन हुआ है। अच्छा। किसी के खाते में। हाँ, देखिए पहला है 5,050 810 के, 47,000 के अलावा अच्छा टोटल मेरा इतना का ठगी, ना कोई मैं ओटीपी दिया किसी को, बिना ओटीपी का। तो क्या लग रहा है, किसी पे संदेह है कि कौन किया? संदेह कैसे करें, ऐसा साइबर हुआ है। साइबर हुआ है। अच्छा, थाना में दिया आवेदन? हाँ, थाना में तो दिए। कहाँ घर है? द्रौपद। तो कौन थाना? पोड़ैयाहाट थाना। अच्छा, क्या बोली पुलिस? अभी प्रक्रिया कर रही है। प्रक्रिया कर रही है। क्या नाम है आपका? शशिभूषण। टोटल कितना अमाउंट हुआ? टोटल 58,000 कुछ। 58,000। दुमका में खुला एक ऐसा स्कूल जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट एसी हॉस्टल उपलब्ध है, जहां बच्चों को योगा, जुम्बा, कैलीग्राफी की जानकारी दी जाती है। बच्चों के लिए एक्टिविटी रूम भी उपलब्ध है, जहां बच्चे तरह तरह की एक्टिविटी के साथ ही म्यूजिक को भी सीख सकते हैं। इस स्कूल में डे बोर्डिंग और हॉस्टल के साथ डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस स्कूल में एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है डी नोवो स्कूल, नया पाड़ा, दुमका।